15 सितंबर 1959 ये केवल एक तारीख नहीं, भारत का वो ऐतिहासिक दिन है जिसने देश में संचार और माध्यम का पूरा हुलिया ही बदल दिया था, क्योंकि इस दिन देश में पहली बार टेलीविजन ने दस्तक दी थी। टीवी जगत का पहला चैनल हुआ दूरदर्शन, जिसे दिल्ली में ही एक कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका पहला एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट था एक 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन, जिसे पेश किया था भारत की पहले न्यूज रीडर प्रतिमा पुरी ने। देश में तो बदलाव आ रहा था, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज और उसकी पाबंदियां हाशिए पर रहने वाले जेंडर के लिए वैसी ही थी। तमाम बंदिशों के बाद भी प्रतिमा पुरी वो महिला रही जिन्होंने उस न्यूज रूम में महिलाओं के लिए जगह बनाई जहां आज भी पुरुषों का वर्चस्व देखा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रतिमा पुरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा पुरी का असल नाम विद्या राउत था। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश शिमला में एक गोरखा परिवार में हुआ था। उन्होंने आगे चलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और शिमला में ही ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपने करियर की शुरुआत की। कहा जाता है कि बचपन से ही उनकी आवाज ऐसी थी जैसे रेडियो के लिए ही बनी हो। कुछ समय बाद भारत सरकार द्वारा उन्हें दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया, जिसके लिए वह दिल्ली चली आईं। दूरदर्शन के साथ उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रसिद्ध कलाकार, एक्टर्स, नेताओं और वैज्ञानिकों को इंटरव्यू किया। यहाँ तक कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गगारिन को इंटरव्यू करने का भी मौका मिला था। दूरदर्शन के साथ उनका सफर बतौर न्यूज रीडर की तरह तो शुरू हुआ, पर साल 1967 में सलमा सुल्तान ने उनकी जगह ले ली और यहां से प्रतिमा पुरी का एक नया सफर शुरू हुआ, जहां वे उन लोगों को तैयार करने लगी, ट्रेन करने लगी जो उन्हीं की तरह न्यूज रूम में काम करना चाहते थे और न्यूज रीडर बनना चाहते थे। जिस समय टीवी तक चुनिंदा लोगों की ही पहुंच होती थी और जिस दौर में महिलाओं का गायन, नृत्य, फिल्मों या मनोरंजन के क्षेत्र में काम करना पितृसत्तात्मक समाज को जरा भी नहीं भाता था, उस दौर में प्रतिमा पुरी ने उन सभी लड़कियों को टीवी में काम करने के लिए तो प्रेरित किया ही, पर साथ ही उस रूढ़िवादी और सेक्सिस्ट सोच पर भी सवाल उठाए जिसके अनुसार महिलाएं टीवी में मात्र ग्लैमर के लिए होती थी। साल 2007 में द ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी प्रशंसा हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी की थी। 19 जुलाई 2007 को प्रतिमा पुरी ने अपनी आखिरी सांसें ली। आज इंटरनेट पर यूं तो भारतीय मीडिया के इतिहास से जुड़ी कई जानकारियां उपलब्ध हैं, पर भारतीय मीडिया के पथ प्रदर्शक कही जाने वाली प्रतिमा पुरी और खबरों को बड़ी सरलता के साथ पेश कर देने वाली आवाज कहीं गुम है। साल 2022 में आई सीरीज रॉकेट बॉयज में भी प्रतिमा पुरी का एक किरदार देखा जा सकता है, पर उन्हें जानने के लिए सिर्फ एक किरदार काफी नहीं है। जरूरी है कि हम इन महिलाओं और उनके योगदान की और बात करें, ताकि उनसे जुड़ी और भी जानकारी सभी तक पहुंचना और आसान हो सके।